और दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की G1038 नंबर फैक्ट्री में आग लग गई। आग रात करीब 10:30 बजे के आसपास लगी और देखते ही देखते आग ने 2 मंजिला प्लास्टिक की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल को आग लगने की सूचना दी गई और दमकल के करीब 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। फायर अधिकारी के मुताबिक बिल्डिंग में भारी मात्रा में प्लास्टिक के दाने होने के कारण आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि आग इतनी तेजी से पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर अधिकारी हाइड्रोलिक क्रेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि फैक्ट्री में आग लगने से किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। 10:36 की कॉल है, शुरू में जो हमने नॉर्मल 4 गाड़ियां भेजी थी, बाद में हमारे ऑफिसर आए, उन्होंने बताया कि आग बढ़ी है, प्लास्टिक के दाने की बताई गई, तो फिर इसको अपग्रेड करके भी हमने मीडियम कर दिया है। टोटल 22 फायर टेंडर भेजे गए हैं इस पर और बिल्डिंग बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर कुछ टीम का कुछ वो था जो कि आप देख रहे हैं, कोलैप्स हो गया, डबल स्ट्रक्चर था। कोई नुकसान नहीं बताया आपको कि अभी फायर बिल्कुल कंट्रोल में, हमने चारों तरफ से इसमें करीब 5 ब्रांचें चारों तरफ से लगा रखी है हर तरफ से, तो फायर के फैलने की कोई संभावना नहीं, कोई फैक्ट्रियों का अगल बगल कोई खतरा नहीं।